हेलो एवरीवन वेलकम टू बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ साइंस की बुक का चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स पहला क्वेश्चन है यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स ये बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल ठीक है मैरी हैड ए लिटिल लैम्प ये वाले तो आंसर हमें करना है इनका विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल तो ब्लैक शीप के कौन से पार्ट पे वूल होती है ऊन होती है तो इसका आंसर है वूल इज ऑप्टेंड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स हेयर ऑफ शीप मतलब जो

हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रखा है आप लोगों को प्ले में जाना है चैनल की और वहां से देख लेना है ठीक है Which ऑफ द फॉलोइंग does नॉट yield wool? में से किसमें से Uh, मतलब कौन ऊन नहीं देता तो याग देता है कैमल देता है गोट देता है वूली डॉग जो है ना ये इसमें से वूल नहीं निकलती है चाहे इसका नाम वूली डॉग हो बट इसमें से वूल ऊन नहीं निकलती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स रियरिंग का क्या मतलब होता है रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप मतलब एक तरह से पालना रियरिंग होता है शेयरिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप तो शीप की बॉडी पे से जो ऊपर के बाल होते हैं ना उसके हेयर्स को हटाना और जो बॉडी की पतली सी स्किन की लेयर भी साथ साथ हतराई जाती है शीप की उसको हम शेयरिंग कहते हैं सेरीकल्चर का हो मतलब होता है सेरीकल्चर रेफर्स टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्ब टू ऑप्टेन सिल्क सिल्क वाम्स को पालना सिल्क ऑप्टेन करने के लिए उसमें से सेरीकल्चर कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को सीक्वेंस में बताना है कि वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है तो सबसे पहले होती है शेयरिंग फिर होती है स्काउरिंग फिर सॉटिंग फिर पिकिंग ऑफ बर्ड्स फिर ड्राइंग ऑफ फाइबर्स और लास्ट में मेकिंग ऑफ़ यान ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक चीज जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझा रखी है देखिए क्या होता है ना आप लोग सबसे जब वीडियो ओपन करते हैं तो आपको होम दिखता है मतलब वीडियो में आप थोड़ा सा बैक करेंगे तो होम दिखेगा फिर उसके बाद ना यहाँ पे एक प्ले का सेक्शन होता है तो जो प्ले का सेक्शन होता है ना वहां पर मैं सारे के सारे जैसे कि क्लास सेवंथ की आप क्लास सेवन्थ साइंस कर वाली आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो बनाए हुए हमने ठीक है क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है देखिए मेक स्केच ऑफ टू स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क टू स्टेजेस जो होते हैं सिल्क मॉथ के वो ये होते हैं सबसे पहले केटा पिल्लर होता है फिर प्यूपा पहले वो क्या होता है ऐसे करके कीड़ा जैसा होता है केटा पिल्ल ठीक है छोटा सा कीड़ा जैसा होता है उसको हम लोग केटा पिल्ल बोलते हैं ठीक है ठीके? केटा पिल्लर जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है आप लोग बुक में से अपनी देख सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन सिल्क प्रोडक्शन से इसमें जो हमें गिवन है कौन कौन सी चीज़ें सिल्क प्रोडक्शन में काम आती हैं इनमें से इनमें से जो सेरीकल्चर है और मोरीकल्चर ये दोनों जो है सिल्क प्रोडक्शन के काम मतलब सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस के में होते हैं सेरीकल्चर मोरी कल्चर अब हमें कॉलम्स को मैच करना है तो हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है कॉलम वन स्काउरिंग तो देखिए स्काउरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग शेयर्ड स्किन स्काउरिंग का मतलब होता है स्किन को साफ करना ठीक है जो हमने शेयर करके निकाली है ना उसको मलबरी लीव्स होती हैं जो खाना होता है ना सिल्क व मलबरी लीव्स ही खाता है याक जो है वो ऊन देने वाला जानवर होता है और कुकून जो होता है ईल्ड सिल्क फाइबर्स मतलब कुकून में से हम लोगों को सिल्क फाइबर मिलते हैं तो ये हमारे सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो हमारे चैनल लोन भी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू